वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शर्ट का तीरा लगा सकते हैं और आपको तीरा मुकम्मल जोड़ने का तरीका बताया जाएगा। तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए देखना है। ये शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग जो हमने स्टार्ट की है, इसका पार्ट 4 है। तो सबसे पहले तीरा जो है आपने खोलना है। यहाँ से देख सकते हैं दो पीस होते हैं, एक पीस आपने ऊपर रखना है, एक नीचे की साइड, और हमेशा जो है आपने सीधी साइड शर्ट पे ऊपर वाले पीस पे रखनी है। सीधी साइड नीचे की तरफ होती है, उल्टी साइड हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो इस तरह तीनों पीस बराबर होंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगानी है और सिलाई को आपने लाजमी पक्का कर लेना है। तो पक्का करने के बाद आधी इंच पे आपने सिलाई लगानी है। ये टुके आपको टुका नज़र आ रहा होगा, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो उसके बाद ये देख सकते हैं दूसरी साइड पे हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये सिलाई वाला पीस आपने दाएं हाथ की तरफ कर लेना है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह कॉर्नर पे सिलाई लगानी है और इस तरह आपकी जो सिलाई लग जाएगी तो बहुत सफाई के साथ आपका तीरा, आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये सिलाई आप लाजमी लगाया करें, इससे बहुत सफाई आती है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर मजबूती भी होती है तीरे की। और बग़ैर इस्त्री के आप देख सकते हैं यहाँ से। तो जनाब उसके बाद आपने जिस साइड पे सिलाई लगाई है उसी साइड पे आपने इस तरह इस पीस को रखना है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने सीधी साइड जो है बटन टेक वाली रखनी है, यानी कि जिस साइड पे बटन लगेंगे और उसका सीधा जो है सीधी साइड जो है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ये देख सकते हैं। तो उल्टी साइड दोनों चीज़ों की होगी, बैक पीस की और सामने वाले पीस की, देख सकते हैं। उसके बाद तीरे को इस तरह आपने मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने यहाँ से देख सकते हैं सिलाई लगानी है और आधी इंच पे ही आप सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमेशा आपने स्टार्ट में पक्का करना है, ये आप हमेशा याद रखें। तो उसके बाद तीनों पीस ये इस तरह आपने बराबर करने हैं। बराबर करने के बाद आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं सिलाई को थोड़ा सा आगे ले कर आना है आपने। तो धागा टूट गया, तब तक मैं आपको बता दूं, पहले पार्ट में हमने जो है कटिंग का तरीका सीखा था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने पट्टी तैयार करनी है, पट्टी तैयार करने का और सिलाई लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। उसके बाद पार्ट 3 में हमने पॉकेट बनाने और लगाने का तरीका सीखा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इन पीसों को आपस में मिलाना है आपने। बराबर करने के बाद नीचे वाले पीस को इस तरह आपने पकड़ना है, ये देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ये हाथों को आप देखें। उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ी सी सिलाई पक्की कर लेनी है। तो पक्का करने के बाद यहाँ से आप सिलाई लगाएंगे। तीनों पीस आपने इस तरह बराबर कर लेनी है। तो देख सकते हैं जनाब आधी इंच पे आपने सिलाई लगानी है। ये आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये आपका तीरा जो है लग चुका है। तो यहाँ से ऊपर एक हम सिलाई कॉर्नर पे भी लगाएंगे। तो वीडियो को अभी आपने छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को आप बगैर स्किप किए देखा करें ताकि आपको वीडियोस की मुकम्मल समझ आ सके। इससे पहले वेस्ट कोट की कटिंग स्टिचिंग में आपको बता चुका हूं। तो देख सकते हैं जनाब मैन कुर्ता और कमीज़ की स्टिचिंग कटिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। तो ये आपका तीरा जो है लग चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट्स, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस के मज़ीद नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।